और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपके आगे की क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए हम एक्सरसाइज करने के पहले हम इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप नवोदय की तैयारी 2022 की कर रहे हैं तो भी आपके लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप क्लास 8 की प्रिपरेशन और जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम या फिर सेंट्रल हिंदू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि दो चीजें हमको यहां पर पहले समझनी है। एक तो समझना हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये दोनों चीजें क्या क्या हैं। देखो एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। एक्सप्रेशन होते हैं जैसे मान लो कि हमको कोई भी चीजें इस तरह से लिख दी गई ना, जैसे लिख दिया गया हमारा 5x, ओके, या फिर 2x-3 या फिर 3x+y। देखो इस तरह से अगर हमें चीजें लिख दी गई तो ये हमारी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पर देखो दोनों में क्या चीजें हैं कि हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई भी इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दो चीजें, जब वेरिएबल क्या होती हैं, वेरिएबल का मतलब ये होता है जैसे जिनकी वैल्यू चेंज होती हो वो वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए बी सी डी ऐसे कुछ तरह कुछ लेटर दिए होंगे ना, तो वो हो जाएंगे वेरिएबल। और ये जो नंबर्स होंगे ये नॉन वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो कहलाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सप्रेशन, ओके। तो इस तरह से ये कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे अभी और भी अगर लिखना चाहो तो और भी हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो हमें ये लिखना हो टू, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो 2x+y+5, तो वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होते हैं। इक्वेशन जैसे हमको ये दिया गया ना कि 5x = 25, तो ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। या फिर हमको दिया गया 2x-3 = 9, ये क्या है, हमारा एक एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वेशन है। या फिर 2y+5/2 = 37/2, ये क्या है, एक इक्वेशन है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता x² + x + 3 ऐसे करके लिखा होता तो ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन। तो यहां पर ये चीज समझ लो, तो यहां पर इसको देखोगे तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। लेकिन हम यहां पर इक्वेशन में एक चीज देखो, अगर हम यहां इसके आगे लिख देते ना = 5, तो इसका मतलब ये क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे कि इनके बीच में इक्वल का साइन आएगा, ठीक है, इनके बीच में किसका साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा। लेकिन हम यहां पर एक चीज और देखते हैं, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारा मान लो कि ये आ गया तो ये सारी चीजें तो हमारी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैं साथ ही साथ समझा दे रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होगी, जो हाइएस्ट पावर होगी वो क्या हो सकती है, 1, हाइएस्ट पावर, ठीक है, एक्स पे लिख दे, हाइएस्ट पावर 1 हो सकती है। अगर 1 से ज्यादा हुई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो है लेकिन ये बच्चा लीनियर इक्वेशन नहीं है। बात आ गई समझ में। अब चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब ये चीजें जो हमको देखनी है कि जैसे मान लेते हैं कि हमको दो चीज दी गई, क्या क्या, 2x-3 = 7 है ना। हम यहां पर क्या है कि इसमें देखो ये जो हमारा है ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये बीच में इसका कौन सा साइन है, बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है, क्या है, बीच में इक्वलिटी, ठीक है, लिख लेते हैं इक्वलिटी। तो अगर इक्वलिटी तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक इक्वेशन, ये क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि दो चीजें इसमें, एक तो है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी चीजें क्या होंगी, राइट हैंड साइड। बात आई समझ में। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो, यानी बीच में हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। बताओ समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है, 2x-3 और राइट हैंड साइड में क्या बच्चा, 7।
बात आ रही समझ में? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये समझने वाली चीज है कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल आएगा, है ना। देखो एक ही अगर इस तरह से लिख जाता ना एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब ये टू वेरिएबल हो जाता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, ओनली वन वेरिएबल, समझ में आया। तो एक ही वेरिएबल आएगा, है ना। तो कोई भी इस तरह का जो, इसका मतलब ये है कि अगर बीच में इस तरह लीनियर इक्वेशन आएंगे, तो यहां पर अगर हमको कुछ ऐसी वैल्यू रखनी जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिससे कि अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है ना। जैसे अगर हमें मान लो यही इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, आगे देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन इन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड, ठीक है। तो हमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर देखो ये माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे इस माइनस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम प्लस 3 करेंगे, एक तरफ हम प्लस 3 नहीं करेंगे, ठीक है। या जैसे अगर मान लो कि हमारा ये लिखा माइनस 3, तो हमको अगर इसे खत्म करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे हमें कैंसिल करना हो तो हम इसी में प्लस 3 कर देंगे, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, बात आई समझ में। तो हम जो ये प्लस 3 करेंगे वो केवल एक ही तरफ नहीं करेंगे भाई, देखो दोनों भाई हैं तो दोनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम यहां क्या करते हैं 2x माइनस 3 है, तो इधर भी प्लस 3 दे दो और इधर भी प्लस 3 दे दो, बताओ बात आई समझ में ये। तो हमारे यहां क्या हो जाएगा 2x और ये माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। अब यहां पर हमको क्या करना है, हमको इस 2 को कैंसिल करना है, तो 2x का क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम इसलिए क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन जा 2 टू 5 जा 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, बताओ बात आई समझ में। हाँ तो ये चीज एक बार समझ लो कि अगर मान लो हमारा माइनस का साइन होगा तो हम प्लस साइन लगा देंगे, अगर हमारा माइनस 3 है तो हम प्लस 3 कर दिया, अगर प्लस 3 होता तो हम माइनस 3 कर देते दोनों तरफ, ठीक है। अगर मान लो मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, अगर डिवाइड है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, है ना। तो ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो है वो है ट्रांसपोजिंग, क्या है ट्रांसपोजिंग मेथड, है ना। ट्रांसपोजिंग ये बहुत ही आगे तक काम आएगा, तो बहुत ही डीपली समझ लो इसको। जैसे यहां पर हमको यही इक्वेशन दिया गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, है ना। तो हम क्या करेंगे इस माइनस 3 को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, इस माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, है ना। ये चीज याद रख लो कि अगर मान लो ये इक्वल है और ये माइनस है, ठीक है, प्लस है या फिर मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है, इतना समझ लो। इक्वल की दूसरी तरफ अगर लेके जाओगे ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर हमने किया कि माइनस 3 इक्वल की दूसरी तरफ गया तो प्लस 3 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 हो गया। अब यहां 2 देखो तो x का क्या है मल्टीप्लाई है, 2x का क्या है बच्चा मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, तो 2 वन जा 2 2 5 जा 10, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना होगा एक्स इक्वल टू 5। अब देखो ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब आप इसमें दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो क्या है कि अगर माइनस है, ठीक है, तो हम दोनों तरफ प्लस करके हटाएंगे, अगर प्लस है तो दोनों तरफ वो इसी नंबर का माइनस करके हटाएंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ डिवाइड करके हटाते हैं, और अगर डिवाइड है तो दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके हटाएंगे, ठीक है। तो हम आगे और सारी चीजें एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं अगली चीजें, आगे हमको क्या सीखना है। अब आगे देखो यहां पर कि अगर मान लो कि हाउ टू मेक इक्वेशन, ये समझ लो कि हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अब इक्वेशन देखो क्या दिया गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, क्या दिया गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, दो नंबर्स हैं और वो कह रहा है 74, समझ लो बात को, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, दो नंबर्स हैं और उनका सम जो है वो 74 मान लेते हैं, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, और उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे से क्या है 10 ज्यादा है, तो मान लेते हैं व्हाट आर द नंबर, है ना।
तो देखो एक नंबर जो है दूसरे से 10 ज्यादा है, मतलब दो नंबर्स हैं, एक जो भी है और दूसरा जो है वो उससे 10 ज्यादा है। जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और तुम्हारे पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा हैं, तो तुम्हारे पास कितने होंगे? भाई मेरे पास 10 रुपए हैं और ये मेरे पास है, ठीक है, आई हैव एंड यू हैव 10 मोर, तो क्या रखोगे? इसी 10 में ये 10 प्लस कर दोगे, रखोगे कि नहीं? तो यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर था पहला नंबर वो x था, तो जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा? x प्लस 10 होगा कि नहीं होगा? बात आई समझ में? तो यहां पर यही कह रहा है ना, तो मान लेते हैं लेट वन नंबर इज x, वन नंबर इज x, मान लो कि एक नंबर क्या है x, ठीक है, देन अनदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? इससे 10 ज्यादा है, अनदर नंबर इज x प्लस 10, हो गई बात। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का सम 74 है, अच्छा x प्लस और इसका x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, क्लियर है? अब सॉल्व कर लेंगे, x एंड x का सम करोगे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया 10 इज इक्वल टू 74। अक्सर एक चीज और भी गलती हो जाती है, जैसे हम x प्लस एक्स करते हैं तो कितना हो गया हमारा? 2x हो गया। काफी सारे बच्चे करते हैं x इंटू एक्स करते हैं, वो भी 2x लिख देते हैं। नहीं, जब मल्टीप्लाई दो सेम चीजों का होता है तो वो स्क्वायर बनते हैं, वो पावर होते चले जाते हैं। जैसे x इंटू एक्स किया तो x की पावर 2, x इंटू एक्स इंटू एक्स किया तो x की पावर कितना? 1, 2, 3, ठीक है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अगर ये किया तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, तो x की पावर कितना हो जाएगा? 4। बात आ रही समझ में ना? लेकिन अगर हमको यही चीजें सम करनी होती, यानी x प्लस एक्स करते तो 2x हो जाता, x प्लस एक्स प्लस एक्स करते तो कितना हो जाता? 1, 2, 3, तो ये 3x हो जाता, ठीक है। यहां से वेरिएबल से याद रखना, ठीक है, ये मान लो कोई चीज है, कोई थिंग है, जैसे मान लो ये एप्पल है, तो 1 apple + 1 apple हाउ मेनी एप्पल? 2 apple, ठीक है, 1 apple + 1 apple + 1 apple हाउ मेनी एप्पल? 3 apples, ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। तो ये बात आ गई समझ में? अभी इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसपोजिंग मेथड पढ़ा, उसके से सॉल्व कर लो, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 74, 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, -10, तो ये -10 हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 करोगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 इधर है, है ना, और इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, याद करो क्या पढ़ा था, कि अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाने पे क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, तो ये भी आप सीख गए, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 64 अपॉन 2 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। बताओ, बात आई समझ में? x इक्वल टू कितना हो गया? 32, है ना। यानी हमसे पूछा जा रहा था कि नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर तो हमारा 32 हो गया, यही तो हुआ, तो लिख लेंगे वन नंबर इज 32 एंड और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? बताओ, समझ में आया ना? तो जो दूसरा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 32 + 10, यही तो है ना, 32 + 10, तो 32 लिख लेते हैं, चलो 32 + 10, तो 32 + 10 करोगे कितना हो जाएगा? 42। बताइए समझ में? तो वन नंबर इज 32 एंड अनदर नंबर इज 42। अब हमें आंसर अगर चेक करना हो कि हमने सही लगाया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम कितना क्वेश्चन में बोल रहा था 74 ना, ये कह रहा था कि दोनों का सम 74 होना चाहिए। अगर दोनों का सम 74 हुआ तो समझो हमारा आंसर सही है, ऐड करके देख लो, 32 + 42 का सम करके देखो, 2 2 4 4 3 7 74, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बात आई समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली लगा पाओगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो वन वेरिएबल था, अब यहां पर समझो थोड़ा सा, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। इसके पहले हम लोगों ने केवल एक ही साइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर दोनों तरफ होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, दोनों तरफ कैसे, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे दोनों तरफ इक्वेशन हो सकता है। जैसे इक्वेशन दिया है, एग्जांपल देखो, 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। अब हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में ये तो बोला, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल बोथ साइड,
तो यहां पर वेरिएबल्स क्या है, दोनों तरफ है, यानी इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम ट्रांसपोजिंग मेथड से ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये माइनस थ्री है तो इसको इधर लेके आओगे, माइनस थ्री है तो इधर लेके आओगे, तो बताओ माइनस थ्री है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे प्लस हो जाएगा। तो यहां पर टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और माइनस थ्री उधर गया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। बात आई समझ में? तो पहले इसको देख लो, टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड टू कितना हो गया, फाइव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को x के पास लेके जाएंगे, क्या करेंगे x को x के पास लेके जाएंगे, जैसे हमारे ये x है, ठीक है, ये x है, हम क्या करेंगे इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो, सॉरी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, कहीं पर भी लेके आ जा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू एक्स इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो टू एक्स माइनस एक्स करोगे कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फाइव। अरे भाई वही चीज, टू एप्पल्स माइनस वन एप्पल तो कितना हो जाएगा, वन एप्पल। तो वेरिएबल ऐसे ही कोई चीज मान लो ना, यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और चीजें समझ लो इसमें। जैसे ये हमको दिया गया ना कि एक बार फिर से देखो, जैसे ये दिया गया टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब यहां पर हमको ये बताया गया कि हम थ्री इधर ट्रांसपोज कर लें, तो हम यहां पर टू एक्स माइनस सॉरी माइनस नहीं इक्वल एक्स प्लस टू माइनस थ्री इधर आएगा तो ये प्लस थ्री हो जाए, है ना। अब यहां पर हम कर सकते हैं टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड टू कितना हो गया, फाइव हो गया। अब ये सोच रहे होगे कि क्या हम इसको जो ये हमारा x था, ये वाला 2x, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस एक्स। भाई x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम एक x को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है, एक x को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और ये प्लस x उधर जाएगा तो ये माइनस x हो जाएगा। बताओ ये पता ही समझ में? भाई देखो चाहे इस तरह से करो, है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तब भी सही है, अगर नहीं समझ में आता तो ये कह दो क्यों ऐसा हुआ कि हम इसे इधर एक्स कर लेते हैं। तो यही सेम चीज है, हमको एक एक्स की वैल्यू निकालनी ना, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहां पर टू एक्स था तो हमने इसको एक्स प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्स हम इधर ट्रांसपोज करिए तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा, फाइव। तो एक्स हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पता चल सके कि हाँ आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलो बच्चा पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।